नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत बड़ी खबर के साथ बुलेटिन में। सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर बाबा को क्यों सामने आना पड़ा है। मुश्किल बढ़ता देख बाबा सामने आया है। मधुकर के बयान से अब बाबा की मुश्किल बढ़ सकती है। साकार ने लिखा हुआ बयान पढ़ा है। मधुकर की गिरफ्तारी से साकार का जो खतरा है वो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। शिकंजा कस सकता है और इसीलिए बाहर आया, मीडिया के सामने आया और रटा रटाया बयान दिया है। तो क्यों मुश्किलें बढ़ सकती हैं ये आपको बता रहे हैं। आपको बताएं कि आखिर क्यों बाबा को सामने आना पड़ा। मुश्किल बढ़ता देख सामने आया है बाबा। मधुकर के बयान पर बढ़ सकती है मुश्किल। साकार ने लिखा हुआ बयान पढ़ा। मधुकर की गिरफ्तारी से बाबा पर अब खतरा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से बाबा पहली बार टीवी के सामने आया, बयान दिया, मीडिया के सामने बयान दिया। और 2 जुलाई से बाबा अंडरग्राउंड था और आखिरकार आज रटा रटाया बयान देकर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आया है। लेकिन क्यों बाहर आया ये आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि मुख्य आरोपी मधुकर को गिरफ्तार किया जा चुका है और अब मधुकर से तमाम वो सवाल पूछे जाएंगे, उसके बाद कई खुलासे हो सकते हैं और हो सकता है अब बाबा की मुश्किलें बढ़े और इसी वजह से आज मीडिया के सामने आकर रटा रटाया बयान दिया है। उससे पहले वकील आए एपी सिंह, उन्होंने कहा कि अब बाबा कहीं छिपा नहीं है और उसके बाद बाबा खुद मीडिया के सामने आया। तो मैनपुरी में छिपा बाबा जी मीडिया ने बताया था पहले से ही। जी मीडिया डेवन से कह रहा है कि बाबा उसी जगह मौजूद है, मैनपुरी के आश्रम में ही मौजूद है, क्योंकि बाबा को जाते हुए तो देखा गया लेकिन आते वक्त नहीं देखा गया। कई बार सवाल भी पूछे हैं जी मीडिया ने। बाबा की लोकेशन तो सबसे पहले जी मीडिया ने ट्रेस किया था, मैनपुरी आश्रम में बाबा ने बनाया था हाइड आउट और जी मीडिया की नजर से नहीं बचवाया साकार और आखिरकार आज जाकर अपना बयान दिया है। लेकिन जी मीडिया लगातार पहले दिन से ही बता रहा था कि बाबा इसी आश्रम में मौजूद है। तो कल ही मैनपुरी में बाबा साकार हरि के आश्रम के बाहर जी मीडिया संवाददाता नीतीश पांडे ने बताया था कि बाबा मैनपुरी आश्रम में ही है लेकिन वहां मौजूद सेवादार कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज मीडिया के सामने आकर बाबा ने अपनी सफाई दी है। जी मीडिया की खबर पर मोहर लग गई है। पुलिसकर्मी कांस्टेबल हैं वो मौजूद हैं, दो दो गाड़ियां यहां पर गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 पर मौजूद हैं। ये सब चीजें आपको बाबा के मैनपुरी स्थित आश्रम के बाहर देखने को मिलेंगी। और इतना ही नहीं, जो आश्रम की ओर आने वाला रास्ता है वहां पर आपको महिला पुलिस, इसके अलावा वहां पर CO, SI की 2 टुकड़ी सभी वहां पर बाहर से मौजूद हैं और अंदर आने वाले पर सब पे निगाह, अपनी निगाहें रखे हुए हैं। पहले दिन जब हम लोग यहां पर पहुंचे थे तो यहां पर सेवादारों की मौजूदगी थी, धीरे धीरे सेवादार यहां से चले गए। अब हम जरा अंदर की भी तस्वीरें दिखा दें, अब एक बार आज अंदर की तस्वीरें और दिखाते हैं। पहले जो था वो आपको यहाँ पर सन्नाटा दिख रहा है इस समय, जो अब जो स्थितियाँ हैं वो हैं, आपको एक आध गाड़ियां दिखाई देंगे, ठीक है। और देखिए जो पुलिसकर्मी है ये अंदर मना भी कर रहे हैं कि बाहर से भी अब अंदर मत लीजिए, इतनी चौकस सुरक्षा व्यवस्था है कि कोई अंदर की भी तस्वीरें नहीं लगे। सर, अंदर की तस्वीरें हम बाहर से भी नहीं दिखा पाऊंगा भाई, कुछ भी नहीं बता पाएंगे अभी हम लोगों को। आप कह रहे हैं कि जैसे अंदर की तस्वीरें बाहर से भी लेना मतलब मना, कुछ नहीं बता पाऊंगा, कुछ नहीं बता पाएंगे। आपकी ड्यूटी तो लगी है ना, किस मद में, सुरक्षा देने के लिए या सुरक्षा व्यवस्था को बहाल करने के लिए? कुछ नहीं बता पा रहे, लेकिन सुरक्षा यहां पर मौजूद है और ये सुरक्षा इस बात का संकेत है कि बाबा अंदर मौजूद हो सकते हैं। ये सुरक्षा ही इस बात की गवाही दे रही है कि ये जो सुरक्षा कर्मी हैं, ये जो पुलिस कर्मी हैं, 24 घंटे सीना ताने आश्रम के बाहर खड़े हैं। आखिर ये सुरक्षा किसके लिए? यहां तो परिंदा भी पर नहीं मार रहा है। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं, प्रभु हमें बसंगत को इस दुखी घड़ी में घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। तो इस तरह से बयान दिया है बाबा ने, रटा रटाया। हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, अभी फिलहाल आश्रम के बाहर क्या देख रहे हैं आप, पुलिस प्रशासन है कि क्या अभी भी वहां पर सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं?
बिल्कुल देखिए, हाथरस कांड के बाद बाबा की लोकेशन मैनपुरी आई थी और जी मीडिया ने इसको सबसे पहले दिखाया था। एक बार हम तस्वीरें दिखाएंगे, ये बाबा के बिछवा स्थित आश्रम की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें साफ तौर पर यहाँ पर बयां करें, क्योंकि तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात बने हुए हैं और बाबा ने जो एनआई को बैठ दी उसमें भी लोकेशन मैनपुरी आई है। कल शाम को भी जी न्यूज ने ये बताया था कि बाबा आश्रम में मौजूद था, तो लगातार जो जी न्यूज की एक्सक्लूसिव पड़ताल रही वो सही निकली है, खबर पर मोहर लग गई है। और बड़ी बात यही है कि बाबा अब सामने मीडिया के आए हैं और स्क्रिप्ट तैयार करके आए, क्योंकि तस्वीरें दिखाती रही है क्योंकि देखना चाहते हैं दर्शक भी देखें कि ये वही आश्रम है जहां जी मीडिया लगातार कह रहा था कि आश्रम में ही मौजूद है बाबा, लेकिन उसके बावजूद किसी को नजर नहीं आ रहे थे। दिखाइए जरा तस्वीर। बिल्कुल देखिए, यहाँ की तस्वीरें लाइव हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं। ये राम कुटीर आश्रम जो बिछवा का है वहां की तस्वीरें, तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर पहले से तैनात बने हुए हैं और ये बड़ी खबर ये रही है, लगातार ये तस्वीरें दिखाई है यहाँ की, ये तमाम पुलिसकर्मी वो बने हुए हाथरस कांड के बाद बाबा सबसे पहले यहाँ आए थे और जी न्यूज ने, जी मीडिया ने सबसे पहले इस खबर को चलाकर ये दिखाया था कि बाबा यहाँ पर मौजूद बने हुए हैं। एएनआई को दी गई बाइट में भी लोकेशन मैनपुरी आई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। उसकी जो पड़ताल थी वो सही कर भी दिख रहे हैं, क्या कुछ बयान देंगे, पूछिए जरा कुछ क्या कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल देखिए, तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार बात कर लेते हैं कि कैसे बैठे हैं यहाँ, कैसे बैठे हैं आप यहाँ, सुरक्षा किसकी सुरक्षा में आप लोगों की? अच्छा, बाबा की सुरक्षा में बैठे हैं? नहीं, बाबा है वो है, ग्राउंड है। अच्छा, ग्राउंड है, लेकिन बाबा की सुरक्षा पहले निकल गया, सच निकल जाता है, बाबा की सुरक्षा में बैठे हुए हैं, तमाम पुलिसकर्मी यहाँ लगे हुए हैं। कहाँ बसा रहे हैं, दिखाइए दिखाइए जरा, कहाँ बसा रहे हैं, क्या बसा रहे हैं, पुलिस बसा रही है लगातार, पुलिस बाबा के लोग कह रहे हैं, बाबा के लोग कह रहे हैं बाबा यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं, हमको क्या पता। पुलिस ने क्यों नहीं अरेस्ट किया, इतनी बड़ी मौतें हुई, इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, हाथरस के उसके बाद नहीं हुई। दिखाई देगा यहाँ पर पुलिस की जीप दिखाई देगी और पुलिस यहाँ पर मुस्तैद खड़ी हुई दिखाई देगी। ये गेट नंबर दो की तस्वीर है प्रत्युष, और गेट नंबर एक पर भी यही तस्वीर है, और सिर्फ गेट नंबर एक और दो नहीं बल्कि बाबा के आश्रम की ओर आने वाले रास्तों पर भी आपको मुस्तैद सुरक्षा व्यवस्था दिखाई देगी। तो ये सुरक्षा व्यवस्था इस पूरी घटना के बाद किसी को फॉलो करने के लिए यहां पर रखी गई थी या फिर बाबा को सुरक्षा देने के लिए रखी गई थी, ये बड़े सवाल हैं। ये लोग बाहर थे, इनकार करते रहे कि बाबा यहां नहीं है, तो बाबा अपने आश्रम में बैठकर बयान जारी कर रहे हैं। आज बाबा को अफसोस है, लेकिन सवाल यह है कि इतनी देर बाद। तो देखिए, नीतीश और हमारे सहयोगी अतुल दोनों ही वहां पर मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि वहां सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं, लेकिन सुरक्षाकर्मी किसके लिए लगे हैं, क्या बाबा की सुरक्षा के लिए लगे हैं या ढूंढने के लिए, क्योंकि एक तरफ तो लगातार ये जानकारी दी जा रही थी कि बाबा को ढूंढा जा रहा है, चाहे अलीगढ़, एटा, कासगंज, तमाम जगह ढूंढा जा रहा था। बाबा के भक्त हैं, बाबा के अनुयायी हैं और उनके अंदर अभी ये नाराजगी है। लगातार तमाम जो पीड़ित परिवार हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि बाबा अभी अपना सिर्फ बयान दे के आए दिए हैं, लेकिन अब तक बाबा की तरफ से कोई भी उनसे मिलने नहीं आया। चार दिन तक वो इंतजार करते रहे, अस्पताल से लेकर मोर्चरी तक, मोर्चरी से लेकर उनके घर तक, लेकिन एक बार भी बाबा वहां तक नहीं पहुंचे। और अभी भी बाबा के जो समर्थक हैं वो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि बाबा को उनके बीच आना चाहिए, वो बाबा को अपना भगवान परमात्मा मानते हैं, लेकिन अब उनका विश्वास बाबा से उठता जा रहा है। और यही वजह है कि देव प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद बाबा पर दबाव बन रहा था, बाबा ने स्टेटमेंट जारी किया है सिर्फ क्योंकि वो पत्रकारों के सवालों से बच सके, सिर्फ अपना स्टेटमेंट जारी दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जी न्यूज़ लगातार ये सवाल उठाता आ रहा था। कल देर रात 1:30 बजे उनके वकील एपी सिंह का हमने इंटरव्यू किया और हमने उनसे पूछा था कि बाबा कब सामने आएंगे, उन्होंने कहा था कि जल्द ही बाबा मीडिया के सामने आएंगे। और अब सिर्फ वीडियो क्लिप रिलीज करके बाबा कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी संवेदना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारे तमाम सहयोगी हर जगह मौजूद हैं और पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं कि अनुयायी क्या कह रहे हैं और क्यों बाबा क्यों अब सिक्योरिटी दी जा रही है, क्या वजह, तमाम सवाल उठ रहे हैं। हमारे संवाददाता अतुल बने हुए लगातार उसी आश्रम के बाहर जहां सिक्योरिटी भी है। अतुल, आप सवाल भी कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद पुलिस अधिकारी बहुत ज्यादा बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बाबा सामने मीडिया के तो आ गए, लेकिन इसके बाद अब कार्रवाई क्या होगी, ये सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, पुलिस के बड़े अधिकारियों के दायित्व बनता है कि वो बताएं बाबा यहाँ थे या नहीं थे, क्योंकि जी न्यूज ने सबसे पहले यानी दो घटना
वाले दिन जी मीडिया यहाँ पर आई थी और यहाँ बाबा के जो अनुयायी थे उन्होंने बताया था कि 2:30 बजे बाबा यानी जी मीडिया के कैमरे पर बताया था कि 2:30 बजे एक बार फिर से कोशिश करिए उन पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने के लिए, क्योंकि यही वो तमाम पुलिस अधिकारी थे, पुलिस कर्मी थे जो बाबा को ढूंढ रहे थे दूसरे जिलों में, और बाबा वही मैनपुरी आश्रम में मौजूद है। बिल्कुल देखिए, तमाम जो पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं इनसे एक बार बात करने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि उनका कहना साफ तौर पर यह है कि आप ड्यूटी पर तैनात हैं। दादा आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? हाँ बैठे हुए हैं हम जी। वो पूछिए किसके किसके आदेश पर? हमको कोई पता, हमारे अधिकारी लोग आते हैं, हमको नहीं पता अंदर है या बाहर। अच्छा, हमको यहाँ सुरक्षा के लिए भेजा गया, हमको ये नहीं पता किसी में किसकी सुरक्षा में। आदेश का पालन करें या शांति व्यवस्था के लिए भेजा गया हमको, किसी के लिए नहीं भेजा गया, हमको शांति व्यवस्था के लिए भेजा गया। देखिए शांति व्यवस्था की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम ड्यूटी जो लगी है उसके बाद हम यहाँ पर पहुंचे और ड्यूटी पर तैनात है। बाबा का जो राम कुटीर का आश्रम है, राम कुटीर यानी बिछवा में ये स्थित है और यहाँ पर बाबा लगातार, क्योंकि 2018 में इस आश्रम का निर्माण हुआ था और बड़ी यानी 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति का बाबा यहाँ पर मालिक है और 21 बीघा से अधिक में बाबा का ये आश्रम बना हुआ 2018 में जब इसका निर्माण हुआ था। लगातार बाबा संपर्क में थे अपने अनुयायी और अपने भक्तों के, और जिस तरह की घटना सामने हो रही थी बाबा उसके बाद मैनपुरी पहुंचते हैं, मैनपुरी में यहां पर फूलों से उनका स्वागत होता है और फिर बाबा आश्रम के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद बाबा बाहर नहीं आते हैं, सिर्फ सूचनाएं बाहर आती है कि बाबा अंदर मौजूद नहीं है। जी मीडिया ने इस बात को कहीं ना कहीं जाना और जो उनके भक्त है, जो जी मीडिया के दर्शक है, जी न्यूज के जो दर्शक है, उन तक पहुंचाया कि बाबा इस आश्रम के भीतर मौजूद है और अपने भक्तों से लगातार संपर्क में है। नीतीश हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, अतुल भी हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अतुल आप बता रहे थे कि वहां इतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा कर्मी लगे हैं, और क्या कुछ अभी और देख रहे हैं, क्या अनुयायी जो हैं जो कल तक थे सेवादार आसपास थे अभी भी वहां पर मौजूद हैं और कुछ बोल रहे हैं? बिल्कुल देखिए, लगातार जो 2 तारीख की घटना हुई थी हाथरस में, इसके बाद में बाबा यहाँ आश्रम पर आकर रुक गए थे। जी मीडिया की टीम को जी मीडिया के माइक पर इनके अनुयायी ने बताया था कि 2:30 बजे बाबा काफले के साथ ही आश्रम के अंदर नहीं निकले। एक बड़ी बात यही रही कि 100 से ज्यादा मौतों होने के बाद भी बाबा मीडिया से क्यों मुंह चुरा रहे हैं। हालांकि अब ANI को उन्होंने स्क्रिप्ट तैयार करके बाइट दे दिए, क्योंकि पहले सबसे पहले एडवोकेट का यहाँ पर आना, तमाम चीजों को यहाँ पर जाहिर करना, इसके बाद में बाबा की बाइट आना, सीधी तौर पर ये तैयारी थी, स्क्रिप्ट थी और उसको बाबा अंजाम दे रहे। लेकिन बाबा को साफ तौर पर मीडिया के सामने आना चाहिए, साफ तौर पर ये बताना चाहिए, क्योंकि उन मौतों का जीवन है जी। अतुल कुछ जानकारी लग पा रही है क्या वजह रही है जो 5 दिन बाद बाहर आया बाबा? बचने की कोशिश थी या फिर तैयारी की जा रही थी कि कैसे बचना है? ठीक है, लौटेंगे अतुल आपके पास, लौटेंगे आएंगे।